बच्चे, इस लेक्चर में अब हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं बिल्कुल बोर्ड पे देखना, बिल्कुल बुक से अलग कराऊंगी। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3। एक्स और वाई की जो ओल्ड रेशो है वो 5:3 है। जेड इज एडमिटेड एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट, जेड का शेयर गिवन नहीं है, कह रहा है जेड इज एडमिटेड, जेड को एडमिशन दिया गया, एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट, और यह डिसाइड किया गया द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड शेल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। कह रहा है यह डिसाइड किया गया जो एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो है ना, एग्जिस्टिंग रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो है, वही सेम किसके बीच में होगी, वाई और जेड के बीच में, ठीक है। इनकी जो रेशियो है शेल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही इन दोनों के बीच में होगी। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखना एक बारी ध्यान से, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आपको अटेंशन रखने की ज़रूरत है, क्या बता रही है मैं। देखना मुझे, आपके पास क्वेश्चन में, बुक खोल के बैठी है सबने, आपके पास क्वेश्चन में है ओल्ड रेशियो एक्स और वाई की 5:3, ठीक है। आप उसे एक लाइन बोली है कि जो जेड इज एडमिटेड, जेड का एडमिशन हुआ है, जेड इज एडमिटेड, लेकिन इसका शेयर गिवन नहीं है, और वॉट शेयर, किस कितने शेयर के लिए, ठीक है, कुछ नहीं पता हमें। तो लेकिन एक लाइन बोली है कि द रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में रेशियो वही होगी जो एक्स और वाई के बीच में है, जो एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के बीच में रेशियो बताओ कितनी है, 5:3। तो कह रहा है द प्रोपोर्शन बिटवीन y एंड z इज 5:3, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि x अगर 5 है तो ये 3 है, ठीक है। अब उसने एक बात बता दी कि जो x और y के बीच में प्रोपोर्शन है वही इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, आपको इस टाइम किसका शेयर पता है, x का शेयर पता है, x शेयर 5/8, वाइस का शेयर कितना है 3/8, ठीक है। अब मुझे यहाँ से निकालना है जेड का, तो इस शेयर के बीच में, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने क्या दिया कुछ। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे उसने बताया कि वाई और जेड के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो 5:3 है, मतलब वाई अगर 5 है तो जेड कितना है 3। तो इक्वेशन लगाओ, इफ शेयर ऑफ वाई इज, द शेयर ऑफ वाई इज 5, द शेयर ऑफ वाई इज 5, देन शेयर ऑफ जेड इज 3, द शेयर ऑफ वाई इज 5, देन शेयर ऑफ जेड इज 3, ठीक है। अब बताओ क्या आपको, ये तो एक प्रपोर्शन लिया आपने, ठीक है, क्या लिया, प्रपोर्शन लिया आपने कि इसके बीच में रेशियो क्या है। तो रेशियो भी वर्ड यूज करते, द रेशियो ऑफ वाई इज 5, द प्रपोर्शन यूज किया आपने यहाँ पे कि 5:3 का प्रपोर्शन है, द शेयर ऑफ 5, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है इनके बीच में रेशियो है, कि इफ वाई इज 5 देन शेयर ऑफ जेड इज 3, कि ये 5 है तो वो उतना 3 है, तो आपको एग्जैक्ट वाई का शेयर पता है, एग्जैक्ट वाई का क्या पता है, शेयर। तो आप लिख सकते हो, इफ आप यहां वर्ड यूज कर सकते हो, द रेशियो ऑफ, इफ रेशियो ऑफ वाई इज 5
देन रेशियो ऑफ जेड इज 3, कि ये अगर 5 है, इफ वाई इज 5, इफ वाई इज 5 देन एक लाइन ध्यान से देखना, इफ वाई इज 5 देन जेड इज 3, कि ये अगर 5 है तो ये 3 है, ठीक है। लेकिन अगर y का शेयर है तो उससे मैं यहाँ किसका निकाल सकती हूँ कि मेरे पास ये चीज है कि अगर 5 है तो ये 3 है, तो इसका मतलब अगर मेरे को y का शेयर पता है, इफ शेयर ऑफ y, इफ y इज 3/8, अगर y का शेयर कितना है 3/8 है, देन z का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो 3/5 इंटू 3/8 दैट मीन्स 9/40, कि अगर y 5 है तो z 3 है, इफ y इज 3/8 देन z इज, तो z 9/40 होगा, ठीक है। तो अब आपको सबके शेयर पता लग गए, x y z, तो x का शेयर कितना है 5/8, y का है 3/8, तो ये अगर 5/8 है तो ये 3/8 है, ये 3/8 है तो z कितना निकाला मैंने 9/40, ठीक है। यहां से मेरे पास आ गई न्यू रेशियो 25, ये मेरे पास बचे न्यू रेशियो आई एक्स वाई जेड की 25:15:9, ठीक है, 25:15:9, जो पहले लैंग्वेज लिखी थी वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड ये वाले आने चाहिए थे, ठीक है बच्चा। तो देखना एक बार, ये तो निकाले बचे मैंने न्यू रेशियो, उसके बाद उसने बोला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो निकालो एक बार एक्स का सेक्रीफाइस, x का ओल्ड कितना है 5/8, ये न्यू रेशियो आई है, ये न्यू रेशियो में मेरे पास है बच्चे 25:15:19, दैट मीन्स ये हो गया बच्चे 49, ठीक है। 5/8 25/49, ये चीज आ गई। एक बार देखो, थोड़ा नीचे करती हूँ, ठीक है। ओल्ड शेयर देखो, x का ओल्ड रेशियो में 5/8, न्यू रेशियो निकली है 25:15:9, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइस निकलता है, तो x, ठीक है। तो हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं बच्चे, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर देना, इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा 45/392, एलसीएम लेके कर लेना, ये सॉल्व कर लेना। उसके बाद वाई का सेक्रीफाइस आ रहा है, एक बार वाई का देखो ओल्ड कितना है बच्चा, ओल्ड है बच्चे 3/8, न्यू बताओ इसका कितना है 15/49, ठीक है, 15/49, तो आपके पास है 3/8 माइनस 15/49, तो ये आ गया बच्चे 27/392, एलसीएम ले लेना, ये चीज़ आ जाएगी, ये आपके पास आ गई सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस से बनते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो 45/392 एंड 27/392, 45:27, ठीक है। तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चे निकल के आई 5:3, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। मेरी ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्या चीज़ बताइए मैंने, ये एलसीएम ले लेना, कट जाएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखना एक बारी, नेक्स्ट सम में हम क्या करते हैं, आपके पास बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना के सॉरी के एल एम पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट एन फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है,
इट इज एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. एम का पुराने वाला शेयर ही रहेगा, तो एम का शेयर बताओ कितना है, ये 1/6. तो मतलब एम का न्यू शेयर भी 1/6 रहेगा. इसका मतलब एन को जो शेयर मिलेगा वो सिर्फ के और एल से मिलेगा, क्योंकि एम कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, क्योंकि कह रहे हैं इसका पुराने वाला शेयर ही रहेगा न्यू. कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो. ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन में क्लियर है कि एन को शेयर किसने दिया, ये तो पता है के और एल एम ने दिया, कितना दिया ये नहीं पता, तो अजम्पशन मेथड से करेंगे. ठीक है, तो देखना एक बारी ध्यान से इस क्वेश्चन को भी. इस क्वेश्चन को हमें करना है बच्चे अजम्पशन मेथड से. एक बार लैंग्वेज सारे बुक आगे खोल के बैठो, क्या चीज़ है आपके पास क्वेश्चन में. ओल्ड रेशियो है KLM, रेशियो है बच्चे 3:2:1. एन को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए. बताओ एन को शेयर किससे मिलेगा, KLM. लेकिन एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है एम वुड, इट इज डिसाइडेड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. एम का पुराने वाला शेयर ही रहेगा, मतलब एम का जो न्यू शेयर है वो अभी भी 1/6 रहेगा, पुराने वाला ओरिजिनल शेयर ही रहेगा. तो मुझे न्यू शेयर एम और एन दो जनों के पता लग गए. तो बताओ ये जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है इसको शेयर इसका मतलब किससे मिलेगा, के और एल से. लेकिन क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कितना के ने दिया कितना एल ने, अजम्पशन मेथड से. तो देखना, लेट द टोटल प्रॉफिट 1. अब बताओ मेरे को न्यू शेयर किस किस के पता है, एन का पता है और एम का. अगर मैं इस पूरी फर्म के प्रॉफिट में से इन दोनों के शेयर माइनस कर दूं, क्योंकि मेरे को इनके पता है, मुझे न्यू शेयर निकालने हैं के और एल के, क्योंकि एम का तो मुझे पता है. तो इस बार मैं इस पूरी फर्म के प्रॉफिट में से एन का भी शेयर माइनस करूंगी और एम का भी. तो बचा हुआ प्रॉफिट किसके लिए आएगा, के और एल के लिए. तो ये दोनों बांट लेंगे. तो देखना ध्यान से, तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर के एंड एल कैसे निकालोगे, 1 में से एन का भी शेयर माइनस करोगे और एम का भी शेयर माइनस करोगे, क्योंकि मुझे इनके न्यू शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, इनके पता है मुझे. तो बचा हुआ प्रॉफिट आया 4/6, इसे कौन बांटेंगे, के और एल अपनी ओल्ड रेशियो में. तो बताओ के और एल की ओल्ड रेशियो 3:2 बच्चे, 1 बार यूज कर लेना ही है, 3:2 में बांटेंगे. ठीक है, तो इससे के का न्यू शेयर आ जाएगा, केस न्यू शेयर. तो बताओ बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 4/6, ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांटेंगे, तो 3/5 आएगा बच्चे. ठीक है, 12/30. उसके बाद एल का न्यू शेयर 4/6 बचा हुआ प्रॉफिट है, 2/5, 8/30. न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो के एल एम एन. तो बताओ के का न्यू शेयर कितना आया, 12/30. एल का न्यू शेयर कितना आया, 8/30. एम का न्यू शेयर कितना था, 1/6. एन का कितना था, 1/6, 30. 12:8:5:5. दिस इज द न्यू रेशियो के एल एम एन, 12:8:5:5. दिस इज द न्यू रेशियो. ठीक है, ये आपके पास निकल के आई न्यू रेशियो. उसके बाद निकालनी है बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो आपको पता है इस टाइम सेक्रीफाइस सिर्फ किस के और एल ने किया है, एम ने नहीं किया. ठीक है, तो आप के का सेक्रीफाइस निकालो, के सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. तो के का ओल्ड बताओ कितना है, 3/6. न्यू बताओ कितना है, 12/30. ठीक है, न्यू बताओ कितना है, 12/30. ठीक है, 3/30 का इसका सेक्रीफाइस आ गया. अब किसका सेक्रीफाइस निकालूं, एल का.
एल सेक्रीफाइस, एल का ओल्ड है 2/6, न्यू है 8/30, देखो एम भी एक ओल्ड पार्टनर है, मैं इसका भी सेक्रीफाइस निकाल के दिखाती हूँ आपको, देखना इसका ओल्ड कितना है, 1/6, 1/6, बच्चे M का ओल्ड है 1/6 और न्यू देखो कितना है 5/30, देखो नो सेक्रीफाइस ऑफ नो गेन आया, क्यों, क्योंकि M का पुराने वाला ही शेयर था, M ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, देखो जीरो आ रहा है, तो सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है, K और L ने, सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, K का सेक्रीफाइस 3/30, L का सेक्रीफाइस 2/30, 3:2, ये मेरे पास K और L की क्या निकल के आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब मेरा इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो चैप्टर का बच्चे सिर्फ एक सम और रह गया है, वो देखते हैं, देखना, A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9:6:5, दिस इज द ओल्ड रेशियो, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, डी को इतने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, तो डी के लिए जो सेक्रीफाइस करेंगे वो ए बी सी करेंगे, कह रहा है बी सेक्रीफाइस 120 ऑफ इस शेयर नहीं कह रहा, फ्रॉम इस शेयर कह रहा है, तो ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, ठीक है, इन फेवर ऑफ डी, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20 एंड रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय ए एंड सी, बाकी बचा सेक्रीफाइस किसने किया है, ए और सी ने, इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये भी मैं बोर्ड पे समझाती हूँ, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ अ पार्टनर, देखना बच्चा ध्यान से एक बार बोर्ड पे, लैंग्वेज को बच्चे बुक खोल के बैठती हैं और लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है कि मैं क्या बता रही हूँ, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है ए बी सी 9:6:5, ठीक है 9:6:5, किसको एडमिशन दिया है, डी को, डी का शेयर है बच्चे 1/4, आप बताओ डी को शेयर किस किस से मिलेगा, ए से बी से सी, थोड़ा ए सेक्रीफाइस करेगा, थोड़ा बी, थोड़ा सी, तब जाके इसका शेयर बनेगा, और क्वेश्चन में क्लियर है बी ने कितना दिया, तीनों के सेक्रीफाइस मिलके इसका शेयर बनना चाहिए, ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में लाइन से देखना कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ डी, कह रहे 120 फ्रॉम ए शेयर, 120 फ्रॉम ए शेयर, दिस इज द कैलकुलेटेड अमाउंट, 120 निकालने की जरूरत नहीं है, इसने फ्रॉम ए शेयर दैट मीन्स इतना ही सेक्रीफाइस किया, अब बच्चे आपको पता है ये तीनों सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके इसका शेयर बनता है, तो आप ये तो किसका सेक्रीफाइस है, बी का, फिर ए और बी का सेक्रीफाइस, ए और सी का कितना है, तो आप मुझे बताओ ये जो D है इसका जो शेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, A B C तीनों सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके इसका शेयर बनेगा, आपको पता है B ने कह रहा है कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, ठीक है, अब बताओ मैं इन दोनों के सेक्रीफाइस कैसे निकालूं, सेक्रीफाइस A ने कितना, B ने कितना किया, ठीक है, आप एक चीज बताओ इनके सेक्रीफाइस कैसे निकालूं, अगर मैं इस, क्योंकि तीनों के सेक्रीफाइस मिलके ये शेयर बनेगा, अगर मैं इस डी के शेयर में से बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दूं तो ए और बी के सेक्रीफाइस, ए और सी के सेक्रीफाइस आ जाएंगे, ठीक है, तो देखना एक बार, सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड सी कैसे निकालोगे,
तीनों के सेक्रीफाइस मिलके डी का शेयर बनते हैं, तो डी के शेयर में से मैं बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दूं तो इन दोनों के सेक्रीफाइस आ जाएंगे, तो 1/4 में से मैंने 1/20 को माइनस कर दिया, तो सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 4/20, ठीक है, ये दोनों का मिल के आ गया, ठीक है, ए और बी का सेक्रीफाइस। और वो एक लाइन लिखी हुई है क्या कि जो रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस और ए एंड बी, ये ए और बी का सेक्रीफाइस है, और कह रहा है रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड बी, ये रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस आ गया ए और बी का इन द रेशियो ऑफ 3:1, और ये ए और सी का जो सेक्रीफाइस आया ये किस रेशियो में है, 3:1 की रेशियो में, ठीक है। तो आप यहाँ से सेक्रीफाइस निकाल सकते हो ए का, तो ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ डी, तो मुझे बताओ ए और सी का टोटल सेक्रीफाइस कितना है, और वो इस रेशियो में है, तो 4/20 का कितना, 3/4, दैट मीन्स 3/20 इसका सेक्रीफाइस है। फिर किसका सेक्रीफाइस निकालोगे, सी का, सी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ डी, टोटल था 4/20 सेक्रीफाइस इन दोनों का, ठीक है, किस रेशियो में है, 3:1 की रेशियो में, तो दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 1/20, तो आप सबके सेक्रीफाइस आ चुके हैं। देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/20, बी का सेक्रीफाइस 1/20 था, सी का सेक्रीफाइस 1/20, इन तीनों के सेक्रीफाइस, चार तीनों के सेक्रीफाइस मिल के, ठीक है, 3/20, 1/20, 1/20, देखो इसका शेयर बन रहा है 20, 3:1, 5/20, देखो इसका शेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने सबके सेक्रीफाइस निकाल लिए, सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन मेरे को पहले निकालनी है न्यू रेशियो, तो न्यू शेयर निकालने पड़ेंगे, तो ए का न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालूं, ए का ओल्ड कितना है 9/20, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20, इसका आ जाएगा 6/20, फिर किसका न्यू शेयर निकालूं, बी का, बी का ओल्ड कितना है 6/20, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20, इसका न्यू शेयर आ जाएगा 5/20 है ये, फिर निकालो सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड कितना है 5/20, इसने कितना सेक्रीफाइस किया है सी ने, ये सी ने 1/20, तो 4/20, ठीक है। न्यू शेयर से बनती है बच्चे न्यू रेशियो, न्यू शेयर से क्या बनती है न्यू रेशियो, देखना है एक बार, ए बी सी डी, ए का न्यू शेयर कितना आया है 6/20, बी का न्यू शेयर कितना आया है 5/20, सी का न्यू शेयर कितना आया है 4/20, डी कितना था 1/4, ठीक है 20, 6:5:4:5, तो दिस इज द न्यू रेशियो 6:5:4:5, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनकी मेरे पास ये क्या निकल के आई है 6:5:4:5, दिस इज द न्यू रेशियो। अब निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस के लिए निकालने होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए निकालने होते हैं सेक्रीफाइस, तो ए बी सी का सेक्रीफाइस, ये इसका ओल्ड है, ये इनका न्यू है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना सेक्रीफाइस आएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगी, लेकिन आपके पास यहाँ अलग से सेक्रीफाइस है, देखो ए का सेक्रीफाइस, ए बी सी, बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था 3/20, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/20, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/20, तो यहीं से मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 3:1:1, ए बी सी, आपकी मर्जी है, आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालो या डायरेक्ट यहाँ से सेक्रीफाइस ले लो, सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बच्चे अब ये हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के सारे क्वेश्चंस फिनिश हैं, आज आपने ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है, फिर हम कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा।